चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदित्य रीड करो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 36 मार्क्स टू पास, ही गेट 130 मार्क्स एंड फेल बाय 14 मार्क्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इज, कैसे करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ समझ में आया? यस मैम, इसमें कह रहा है कि ना उसको ना 36% मार्क्स लाना पड़ेगा, 36% लाना पड़ेगा तभी वो पास हो पाएगा। और वो 130 मार्क्स लाया और 14 मार्क्स से फेल हो गया, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स पूछा है। मैक्सिमम मार्क्स कितना ऑप्टेन, कितने नंबर का था ना? देखिए वो क्या कह रहा है, 36% वाला पास है, लेकिन इसके कितने परसेंट आए वो नहीं बताए। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। बेटा इसको तो 36% चाहिए, मैंने इंजीनियरिंग किया है, हमें 40% चाहिए थे पास होने के लिए। वैसे सारे पेपरों में 33 चाहिए होते हैं ना, लेकिन इंजीनियरिंग में 40% चाहिए होते हैं। तो कह रहा है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। He gets 130 marks. उस person के 130 marks आते हैं, फिर भी वो 14 marks से fail हो जाता है। मतलब उसको 14 marks और मिल जाते तो वो पास हो जाता, है ना? 130 तो उसके आ ही रहे हैं, फेल कितने से हो रहा है, 14 से। अगर 14 और मिल जाते तो पास हो जाता, है ना आदित्य? हो जाता पास हो या नहीं? मैम हो जाता, तो 130 में 14 ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स मैंने इसका आंसर निकाल दिया, कितना आया मैम? 400 आया है। हाँ तो पासिंग मार्क्स कितने आ गए हमारे पास, 144। देखिए पासिंग मार्क्स की हमारे को परसेंटेज भी तो गिवन है, कितने, 36%। तो हम पासिंग परसेंटेज कितने लिख लेंगे इसकी जगह पे, लिख सकते हैं 36%। तो वो पास हो जाएगा। पास होने के लिए कितने चाहिए, 36%। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आएगी, इसको ऐड करेंगे आएगा 144, और 36 डिवाइड में आ जाएगा। और 100% की वैल्यू चाहिए, 100% इसके इक्वल आएगा 144 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 12 3 जा 36, 12 12 जा 144, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400। इनका आंसर 400 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और जस्ट पृथ्वीराज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋषभ रीड करो क्वेश्चन नंबर 25। Yes, ma'am. Ma'am, question number 25. If A and B salaries together amount to rupees 2000, A spends 95% of his salary and B spends 85% of his. If now their savings are same, what is A's salary? क्या बोला क्वेश्चन में? मैम इसमें बोला है कि ए, अगर हम ए और बी की सैलरी दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 2000 आता है, और मैम ए अपनी सैलरी का 95% स्पेंड करता है और बी 85% करता है, एंड मैम उन दोनों की सेविंग्स की जो न्यूमेरल है मैम वो दोनों सेम है, कैसे करेंगे इसको बताओगे?
यस मैम, मैम अगर ए और बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 2000, मैम द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इनवर्स, मैम हियर इज ए स्पेंड्स 95%, हिज सेविंग वाज 5% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 15%, सो बीज सेविंग इक्वल्स टू 15%. मैम वी कैन कैलकुलेट देन रेशियो, मैम द आंसर इज 1:3. मैम देन ए सेविंग एंड मैम देन वी कैन, मैम वी कैन फाइंड आउट द 95% ऑफ 2000. देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन, वेरी गुड ऋषभ आपने इतना बताया. ये ए और बी की जो सैलरी है वो कह रहे इकट्ठे मिला के दोनों की सैलरी कितनी है 2000 है. प्रतीक आपको टाइम मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए. ए और बी दोनों की सैलरी मिला के कितनी है 2000. ए अपनी 95% सैलरी खर्च कर देता है तो सेविंग कितनी करता होगा, 5% ही तो सेव कर रहा होगा. और बी की सैलरी टोटल कितनी होती है 100%, उसमें से वो 85% स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचेगी कितनी 15%. तो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है नाउ देयर सेविंग आर सेम, अब उनकी सेविंग सेम है, यानी 5% ऑफ ए किसके इक्वल है 15% ऑफ बी के इक्वल है. अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 5A किसके इक्वल आ गया 15B के, तो A और B का रेशियो निकाल लिया हमने यहाँ से, 15 उधर ही पड़ा रहा, 5 को नीचे ले आए, A अपॉन B किसके इक्वल आ गया 3:1, यानी A रेशियो B किसके इक्वल है 3:1 के. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब बेटा दोनों को अगर मैं ऐड करूं 3 और 1 को तो मुझे कितना मिलता है 4, और इन दोनों को मिला के रेशियो में सैलरी 4 है, रियलिटी में कितनी है 2000. मींस रेशियो के जो 4 हैं वो 2000 के इक्वल हैं, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की कितनी आएगी 2000/4 यानी 500, और मुझे तो उसने ए की पूछी है तो ए की वैल्यू 3 है तो 3 की निकालनी होगी, 3 × 500 that is equal to 1500. तो डी हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, अगर आपसे पूछे बी की तो बी की आएगी 500. देखिए 15 और 5 मिला के बन रहा है ना 2000, 1500 और 500. यस 750 नहीं आएगा बेटा, 750 किसका आएगा प्रतीक, 750 क्यों लिखा आपने प्रतीक, वो पहले लिखा था. अच्छा ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. चलिए ये क्वेश्चन कौन रीड करेगा? चौहान सनीराज.
सेल्समैन टर्म्स वर चेंज फ्रॉम अ फ्लैट कमीशन ऑफ 5% ऑन ऑल हिज सेल्स टू अ फिक्स सैलरी ऑफ रुपीज 1000 प्लस 2.5 कमीशन ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग रुपीज 4000 इफ हिज रिम्यूनरेशन एज पर न्यू स्कीम वर रुपीज 600 मोर देन दैट बाय द प्रीवियस स्कीम इज सेल्स वर वर्थ। देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक सेल्समैन है जिसको सेल करना होता है कुछ ना कुछ सामान, वो फ्लैट सेल करता है, ठीक है। सेल्समैन टर्म्स वर चेंज्ड फ्रॉम अ फ्लैट कमीशन ऑफ 5%। वो पहले क्या करता था, हर किसी पे, हर फ्लैट पे सेल करने पे 5% कमीशन लेता था। ऑन ऑल हिज सेल्स टू अ फिक्स्ड सैलरी ऑफ 1000, ठीक है। कोई भी 1000 की सैलरी वाला कोई भी होगा उससे 5% का टैक्स लेता था, प्लस 2.5% एक्स्ट्रा लेता था अगर सेल जो है एक्सीड हो जाती थी 4000 से। 1000 तक की सेल होएगी तो 5%, 1000 की सेल होएगी तो 5%, अगर उससे ऊपर 4000 तक की सेल होएगी तो 2.5% और कमीशन लेता था कि भाई मैंने तुम्हारी इतनी सेल्स और करवाई है। इफ हिज रीम्यूनरेशन एज पर न्यू स्कीम वाज 600 मोर देन दैट द प्रीवियस स्कीम, तो प्रीवियस वो यूज कर रहा था, अब उसकी नवी में वो 600 रुपीज और ऐड करना चाहता है नई वाली पॉलिसी में, तो आपको बताना है उसकी सेल्स कितने की हुई जो उसको 600 रुपीज ये मिल रहा है। कमीशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना घर से, नहीं तो हम इसको कल सॉल्व करेंगे क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।